सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछला व्लॉग मैंने अभी ख़त्म किया, एक व्लॉग जो कि हम लोगों ने ख़त्म किया था रामघाट पे। रामघाट जाने के बाद मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो अभी हम लोग आए हुए कामनानाथ मंदिर पर। कामनानाथ या कामनाथ मंदिर ऐसे कुछ नाम है, पता नहीं, प्रॉपर मेरे को नाम लेने को हो नहीं रहा। अभी पूछ के बताता हूँ कौन सा मंदिर है, वैसे नाम मैं पढ़ा भी दूंगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे आए हुए हम लोग, अभी यहाँ पे दर्शन करेंगे। परिक्रमा होती है, परिक्रमा करेंगे यहाँ पे और फिर उसके बाद फिर आगे जाएंगे। क्योंकि देखो चित्रकूट में बहुत सारी जगह घूमने के लिए और एक ही ब्लॉग में सब कवर नहीं हो सकता, तो सबका अलग अलग ब्लॉग बनेगा। छोटा छोटा ही भरेगा, 6-7 मिनट 8 मिनट का, बट हो जाएगा। कई सारे पार्ट होंगे बट हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसे ही प्रसाद वाले दुकान वाले लोग बुलाएंगे अपना चप्पल वगैरह खोलने के लिए, प्रसाद वगैरह लेने के लिए मंदिर है। मंदिर यहाँ तो यहाँ पर आप परिक्रमा भी कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ दर्शन करके भी जा सकते हो। तो हम लोग सिर्फ दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि परिक्रमा करने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर का पूरा पहाड़ का एरिया है, उसकी परिक्रमा करनी है, जो कि उतना पॉसिबल नहीं होता, टाइम नहीं हम लोग के पास, क्योंकि 12 बजे तक होटल में चेकआउट भी करना। तो अभी हम लोग सिर्फ दर्शन करेंगे, दर्शन करके निकल जाएंगे फिर दूसरे जगह घूमने के लिए। तो अगर आपको परिक्रमा करना है तो परिक्रमा का रास्ता इधर से जा सकते हो। पूरे बड़ा सा पहाड़ है, 5 किलोमीटर का एरिया है, उसको पूरे परिक्रमा करनी है 5 किलोमीटर में। तो हम लोग सोचा उतना में टाइम लगेगा, प्लस थक भी जाएंगे हम लोग, तो सोचा रहने देता है, दर्शन करके चल चलता है। हम लोग दर्शन करके जा रहा वापस। तभी हम लोग पहुँच चुके हैं, कहाँ पर रेडी, हनुमान धारा। तभी हम लोग हनुमान धारा पहुँच चुके हैं। तो ये चार धाम यहाँ चित्रकूट के, चार धाम में से एक धाम ये है ना, हनुमान धारा ये एक धाम है ना, तीसरा धाम है। तीसरा नहीं, वो बोला नहीं है, कामतानाथ धाम नहीं है ऑटो। और हम लोग को जाना है वहाँ पे ऊपर, वहाँ पे ऊपर जाना है वहाँ तक। और वहाँ तक सीढ़ी है, 600 सीढ़ियाँ, लेकिन हम लोग सीढ़ी चढ़ के नहीं जाने वाले हैं, हम लोग जाएंगे रोपवे से इस समय, क्योंकि थकान हो जाएगी फिर बहुत ज़्यादा। हम लोग रोपवे जाएंगे अभी, हम लोग को जाना एकदम वहाँ टॉप तक, इधर टॉप तक। लेकिन कौन सी गाड़ी है, मतलब जो अपनी वो वहाँ तक जाएगी, जहाँ खम्भा है रेड कलर वाला, वहाँ तक जाते, उसकी वायरिंग सही है। तो उसके बाद से हम लोग को फिर टायर उस सीढ़ी से जाना ऊपर, और ऊपर जाकर दर्शन तक जाना है। काम 100 रुपये कमाना, 100 रुपये कमा रही है दादा, धोनिया करना इसलिए 500 आपको बता दिए, 400 बोले सर। खाली वहीं चलेगा, बीच में मत रुकिएगा, गाड़ी वहीं जाएगा, वहीं खड़ा होगा, वहीं पर खड़ा होता है, पर एकदम सीधा रखूँगा। तो अभी हम लोग जाएंगे रुपये से, रुपये और रुपये को बीच में 30 सेकंड के लिए रोका जाता है, जैसे अभी वो रुके हुए अभी 30 सेकंड के लिए रुपये को रोका जाता है, ताकि आपको बीच में रोक के नज़ारा वगैरह देख लो, आप फोटो वगैरह कितना फोटो वगैरह खींच लो, वो बताएंगे जो भी करना। तो पहले हम लोगों ने सोचा रुपये से जाने के लिए, लेकिन अब रुपये से हम नहीं जा रहा, क्योंकि मम्मी की वजह से कभी हमें सीढ़ी से वापस अब 600 सीढ़ी से हमें चढ़ना पड़ेगा बिना, सीढ़ी चढ़ते हैं अब फिर से। मतलब वर्कआउट वर्कआउट तो हो नहीं रहा जिम का, लेकिन लेग का वर्कआउट ऐसे ही हो रहा है। अब ना हम रोपवे से जा रहे हैं, ना ही सीढ़ी चढ़ जा रहा है, हम जा रहा है गाड़ी से, और गाड़ी वो घुमाते हुए लेके जाएगी, पता नहीं क्या क्या प्लान, मतलब एक प्लान पर तो टिकते ही नहीं है, 10 तरह का प्लान सोचते हैं हम लोग, 10 तरह का, उसके बाद एक चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। अभी गाड़ी से हम लोग जाएंगे, लोग देखते हैं गाड़ी से क्या होता है, गाड़ी से घुमाते हुए ऊपर तक लेके जाएगा, पूरा ऊपर तक। अभी हम लोग गाड़ी से ऊपर जा रहे हैं, और गाड़ी से ऊपर जाने का रास्ता वो है जो कि, मतलब रोड पर से जो पहाड़ दिखाई दे रहा था, उसी पहाड़ के अंदर अंदर से रास्ता है, ये पूरा जंगल के अंदर अंदर से पत्थर काट काट के रास्ता, जंगल अंदर सामने हीरो बन गया था, जंगल विभाग खुदवा दिया था, बन गया था, RCC बन गया था, जंगल विभाग खुदवा दिया ना, मंजूरी ला दी काफ़ी ज़बरदस्ती, उसी का है, उसी का राज है,
इसको पीछे नहीं बनाना है क्या? परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है, बन गया था आरसीसी, बन गया था खुदवा दिया ना बड़ा था। मिट्टी वट्टी नवा देते हैं मगर बरसात में बह जाता है ना, इसमें पानी बहुत तेज उधर से। तो जैसे ये पहले यहाँ पे रोड बन चुका था, ये आरसीसी रोड बन चुका था, बट जंगल विभाग वालों ने उसमें राम जी का आसन है मगर ये बरसात के पानी में डूब जाता है। अभी जब पानी बारिश बंद हो जाए या पानी सूखने लगे दिखाई देने लगे, तो राम कुंड है अंदर जो पेड़ लगे हैं ना, बीचों बीच आसन है, ये लोढ़िया भगवान मान जी का। हाँ, ये पुराना मंदिर हनुमान जी का। फिर भी यहाँ पकड़ा हटा देना किनारे में, यहाँ बिजली है हमने। देखो यहाँ हमको लगा अभी जंगल बीमा कर हाँ, तो थोड़ा जंगल फिर गया, नहीं तो एकदम पिछड़ा हुआ गांव जिसको कहते हैं वो यही है, एकदम ऊपर पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के बीचों बीच ये सारा जंगल विभाग वाला एरिया है, उसमें इन्होंने अपना घर वर बसाया हुआ है, मट्टी का घर, पत्थर का घर। तभी हम लोग वहाँ से आए, एकदम नीचे से वहाँ से आए थे, पूरा उधर से वो शहर है, पूरा वो पूरा शहर है, और वहाँ से हम लोग इधर आए, और अभी हम लोग पूरे टॉप पे, सबसे टॉप पे पहुँच चुके हैं। अब देखो जैसे जो रास्ता जो सबसे ख़राब था ना, वो रास्ता इसलिए ख़राब था क्योंकि पहले वो आरसीसी रोड बन चुका था, बट वन विभाग वालों ने उसको उखड़वा दिया पूरा, और फिर उसको वापस से तोड़वा दिया क्योंकि वो अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है वहाँ पर रोड वगैरह बनाने की, लेकिन इन लोगों ने रोड बना लिया था। तो लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती ये लोग ले करके आना, और ये खाली पर हम लोग आ गए पत्थर पे, लेकिन यहाँ से व्यू देखो पूरा व्यू। हम लोग वहाँ थे पहले, वहाँ पे वहाँ से हलो उधर से घूमते हुए गए, वो पूरा उस रास्ते से है, तो पूरा रास्ते से उधर ऊपर चढ़ के आए, ये पूरा चित्रकूट से है। और अभी हम लोग एकदम टॉप पर हैं अभी, और अगर हम लोग रोपवे से आते हैं, रोपवे हम लोग को वहाँ तक लेकर के आता, वहाँ तक और वहाँ से फिर हम लोग को पैदल ऊपर चढ़ के आना था, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आना था फिर, और गाड़ी से आए हम लोग तो सीधा यहीं पर डायरेक्ट आ गए हम लोग।